एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम आज नया मॉड्यूल लेकर आए हैं और एग्जाम से पहले हम आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो है हमारा स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन। स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। फॉल्ट का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है दोष। तो अगर हम विद्युत दोष की बात करें फ्रेंड्स, किसी भी दोष की अगर हम बात कर लें तो दोष का मतलब होता है कोई कमी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इलेक्ट्रिकल दोष की बात करें, मींस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का मतलब यह है अगर करंट अपने निर्धारित या अपने जो जिस पाथ से उसको फॉलो करना था या जिस वायर में उसको जाना था या जिस उपकरण से उसको फ्लो करना था, उस उपकरण में फ्लो ना करके, उस पाथ से फ्लो ना करके किसी अन्य पाथ को वो फॉलो करती है, फ्लो होता है दूसरे पाथ से, तो इस प्रकार की जो डिस्टर्बेंस आ रहा है या अनबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इस प्रकार को फॉल्ट को हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहने वाले। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर बात करें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की, तो फॉल्ट में हम ये कहेंगे कि अगर करंट की वैल्यू अपने जो निर्धारित करंट है या रेटेड करंट है, उस रेटेड करंट से उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, किसी भी कारण से वो बढ़ जाए, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, चाहे ओपन सर्किट हो जाए, चाहे कोई दूसरी कंडीशन आए, और ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो शॉर्ट सर्किट होगा तभी आपकी करंट जो है वो इंक्रीज होगी। तो अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के कारण या ओवरलोड के कारण आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाती है, जो रेटेड वैल्यू है उस रेटेड वैल्यू से बढ़ जाने की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और बता दें, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है। जरूरी नहीं है कि फॉल्ट आपका शॉर्ट सर्किट हो तभी उत्पन्न हो। कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जब ओवर लोड की कंडीशन हो जाती है, या फिर अगर हमारा जो सोर्स है, जो सप्लाई सिस्टम है, उस सप्लाई सिस्टम से उसके निर्धारित जो रेटिंग है, उस रेटिंग से ज्यादा वहां पर लोड कनेक्टेड कर दिया जाता है, उस स्थिति में भी वहां पर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार देखते हैं कि जो हमने यहां पर लिखा है उसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है आपका जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है वो किसी भी डिवाइस में कमी है, एक प्रकार से जो करंट है, करंट अपने पाथ को फॉलो ना करके, जो ओरिजिनल पाथ था उस पाथ को फॉलो ना करके किसी अन्य पाथ से वो फॉलो कर जाती है या उससे फ्लो हो जाना शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार के जो कमी आ रही है या फिर जो इस प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट, इस डेफिनेशन को हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं यहां पर। तो हम इस वाली कंडीशन की बात करें, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये है हमारा बस बार। पहले मैं एक बार बता दूं आपको इसके पार्ट्स के बारे में, उसके बाद हम इसकी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो ये है हमारा बस बार फ्रेंड्स, ये बस बार है फ्रेंड्स, और ये हमारा सर्किट ब्रेकर है फ्रेंड्स, ये हमारी रिले कॉइल है फ्रेंड्स, यहां पर बैटरी लगी हुई है, और ये हमारे स्विच हैं, इसको हम एनो स्विच कहेंगे फ्रेंड्स। एनो मींस नॉर्मली ओपन स्विच। तो ये है एनो स्विच। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एनो स्विच से जो कनेक्टेड है एक आपका प्लंजर है, तो ये हमारा जो प्लंजर है ये इस स्विच को ऑन या ऑफ करने का काम करेगा फ्रेंड्स। इस वाली हम कॉइल की बात करेंगे, ये हमारी है रिले कॉइल, ये पूरा हमारा रिले का सिस्टम है, और यहां पर है हमारा सीटी करंट ट्रांसफार्मर, और ये हमारा कोई भी एक सिस्टम लगा हुआ है, चाहे आपकी मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो या कोई अन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो। अब फ्रेंड्स, इसकी एक बार हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्टेड है, इसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो एबनॉर्मल कंडीशन होगी और एक नॉर्मल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन का मतलब यह है कि जितना लोड को जो करंट था उतना अगर इसको मिल रहा है, या सप्लाई जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इसकी, या रेटेड इसकी करंट है उतनी करंट इसको मिल रही है, तब तो वो नॉर्मल कंडीशन होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां से अगर सप्लाई जा रही है तो
आसानी से अगर यहां पर फ्लो हो रहा है करंट और ये ठीक ठाक कंडीशन में काम कर रहा है, यहां पर वर्किंग कंडीशन में हमारी मशीन, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम नॉर्मल कंडीशन कहेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन कब उत्पन्न होगी फ्रेंड्स? एबनॉर्मल कंडीशन जब उत्पन्न होगी जब यहां पर किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न हो जाए। अब फ्रेंड्स होगा क्या, यहां पर किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न हो गया, सपोज दैट यहां पर शॉर्ट सर्किट आ गया। जब यहां पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होगा फ्रेंड्स, यहां पर यह है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न। जब भी कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है उसका मतलब होता है कि जो करंट है उसकी वैल्यू इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाना, 1.5 टाइम्स जो करंट है वो रेटेड करंट का हो जाएगा, मतलब डेढ़ गुना करंट बढ़ जाना है। इस प्रकार की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको आप क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलने वाले। अगर हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की यहां पर बात करें तो ये वाला सिस्टम जो है, यहां पर मान लीजिए इसकी रेटेड करंट है, रेटेड करंट से ज्यादा यहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के कारण करंट उत्पन्न हो रही है या फिर फ्लो होना शुरू हो गई, तो होगा क्या करंट, सॉरी फ्रेंड्स, होगा क्या कि ये वाला जो बस बार है, इस बस बार से ये जो सिस्टम है ये जो करंट है उसको सक करना शुरू कर देगा। जब यहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, पहली चीज तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये सीटी लगा हुआ है, सीटी क्या करेगा, करंट सेंसिंग डिवाइस है, सीटी करंट सेंसिंग बोल लो या करंट मेजरिंग डिवाइस कह लो, ये करंट को मेजर करेगा, सेंसिंग करेगा। और अगर यहां पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, यहां से जैसे ही करंट इंक्रीज हो रही है और टोटल करंट जो पास हो रही है इंक्रीज, बड़ी हुई वैल्यू की करंट की वैल्यू जो है वो बड़ी हुई यहां से फ्लो हो रही है, तो जो सीटी है इसकी सेकेंडरी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी। मींस यहां पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होने वाला है, और जब ये अप्लाई ये प्रिंसिपल यहां पर लगेगा तो इसकी सेकेंडरी एनर्जाइज हो जाएगी। सेकेंडरी एनर्जाइज होने के कारण यहां पर हाई अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है, सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर, ये सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस क्वाइल में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इस क्वाइल में करंट फ्लो होना शुरू होगा तो फ्रेंड्स ये क्वाइल एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फ्लक्स यहां पर जनरेट होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा उतना ज्यादा यहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगने वाला है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, देखने के लिए सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो वर्क करने वाले हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो हमारे कनेक्टेड है ये, इसको हम बोलेंगे बस बार। फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा बस बार। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाले की, ये है हमारी रिले क्वाइल। ये यहां से लेकर फ्रेंड्स यहां तक हमारी पूरी रिले है, ये हमारी ट्रिप क्वाइल है, ये हमारी रिले क्वाइल हो गई, और ये हमारा एक स्विच हो गया जिसको हम एनो नॉर्मली ओपन स्विच कहेंगे फ्रेंड्स, और ये हमारा जो स्विच को ऑन या ऑफ करने वाला है इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स प्लंजर। अगर इसकी बात करें ये है हमारा सर्किट ब्रेकर फ्रेंड्स, और ये रहा हमारा ट्रिप क्वाइल। यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारा कोई सिस्टम लगा हुआ है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर भी लगा हो सकता है, यहां पर हमारा ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड हो सकता है फ्रेंड्स, अदर अप्लायंस भी यहां पर हमारा कनेक्टेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हमने इसको कनेक्टेड किया है इसका मतलब है यहां पर बस बार है, ये कॉमन पॉइंट है जहां से हम सप्लाई अपने सिस्टम को देने वाले हैं। अगर बस बार की बात करें तो बस बार हमारा यहां से ये जो सिस्टम है ये यहां से कनेक्टेड है, यहां से हमारी सप्लाई आ रही है, और सप्लाई के जहां से सप्लाई आ रही है उसी के बीच में हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को प्लेस कर दिया। अब जब सर्किट ब्रेकर को यहां पर प्लेस करने का प्लेस किया है तो इसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स, इसका पर्पस है कि अगर यहां जो हमारा सिस्टम है इसमें कोई भी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो ये उसको ओपन करा दे, मतलब यहां से जो हमारे ये लाइन कनेक्टेड है इस लाइन को ब्रेक करने का काम हमारे सर्किट ब्रेकर का। अभी हम डिटेल में इस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहां पर हमारा सीटी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, इसका काम होता है फ्रेंड्स कि यहां पर जो हमारी करंट है करंट को मेजर करना या करंट को सेंस करने का काम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है, यहां पर कोई भी हो सकता है, ये है हमारी रिले क्वाइल प्लंजर है, ये हमारा स्विच है एनो है, इस वाले को बात करें ये भी हमारा स्विच है सर्किट ब्रेकर का, और इसको हम कहेंगे एनसी नॉर्मली क्लोज। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले हमारा ये बस बार है, बस बार से हमने इसको अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। अब दो कंडीशन अराइज होंगी फ्रेंड्स यहां पर, पहली कंडीशन होगी नॉर्मल कंडीशन,
सेकंड होगी एबनॉर्मल कंडीशन। फ्रेंड्स अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन वो कंडीशन होगी जहां पर हमारा जो सिस्टम है वो ठीक ठाक तरह से रनिंग कंडीशन में या वर्क कर रहा है। मान लो सपोज दैट फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा सिस्टम है वो ठीक तरह से चल रहा है। मीन्स ठीक का मतलब क्या, जो यहां से सप्लाई आ रही है या फिर करंट कह लो जितनी इसकी रेटेड कैपेसिटी है उतनी रेटेड कैपेसिटी की यहां से जो सप्लाई आ रही है तब तो ठीक है, तब तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर इसकी रेटेड करंट से ज्यादा यहां से करंट आना शुरू हो जाए इस लाइन से तो कहीं ना कहीं यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होने वाली है और उसी को हम बोलेंगे फॉल्ट। जैसे यहां पर फ्रेंड्स आपने देखा कि जो करंट है वो अपने पाथ को फॉलो ना करके किसी दूसरे पाथ से फ्लो करना शुरू कर जाए या अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर ले, बहुत ज्यादा जो रेटेड करंट है उस रेटेड करंट से उसकी वैल्यू 1.5 टाइम्स ज्यादा हो जाए। तो इतनी डेढ़ गुना करंट अगर ज्यादा फ्लो हो रही है किसी भी कारण से किसी भी फॉल्ट से तो उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ही कहेंगे। फ्रेंड्स यहां से आपकी जो करंट है वो फ्लो हो रही है यहां पर ठीक ठाक तरह से हमारा जो सिस्टम है वो लगा हुआ है चल रहा है, उस कंडीशन में उस सिचुएशन में हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अब होगा क्या जो मेन कारण है इसको समझाने का, अब फ्रेंड्स मान लीजिए यहां पर किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। जनरली फ्रेंड दो प्रकार के फॉल्ट आ सकते हैं इस सिस्टम में, एक तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और यहां पर हमारा ओवर करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओवरलोड की कंडीशन आ जाए। तो फ्रेंड्स पहली कंडीशन ऐसी है कि यहां पर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहां पर जो आपका सिस्टम है जो मोटर है या जो ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग ही शॉर्ट हो जाए या कोई दूसरा कारण हो जाए कि उसकी बॉडी से उसकी जो सप्लाई है वो टच हो जाए जिसके कारण उसमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए। तो जब वायर शॉर्ट हो जाएंगे तो उस शॉर्ट सर्किट में यहां पर करंट की वैल्यू है 1.5 गुना टाइम्स ज्यादा या 1.5 गुना ज्यादा यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाएगी और उस कंडीशन में इसकी जो रेटेड करंट है उससे ज्यादा करंट यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब रेटेड करंट ज्यादा फ्लो होना यहां पर रेटेड करंट से ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगी करंट, तो उस कंडीशन में जो इसका सहनशीलता है इसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है और हो सकता है मे बी हमारा जो यहां पर सिस्टम लगा हुआ है वो ही डैमेज हो जाए या फिर मेल्ट होना शुरू हो जाए या उसकी जो वाइंडिंग है वही बर्न हो जाए उसकी। दूसरा कारण मतलब दूसरी जो ये सेकंड सिचुएशन थी फ्रेंड्स कि यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है। अब हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे इसको प्रोटेक्ट करा रहे हैं, जो हमारा फॉल्ट आया उस फॉल्ट को हम इस वाले पूरे सिस्टम के थ्रू कैसे प्रोटेक्ट करा रहे हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला आपके रिले और दूसरा आपका सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करेंगे, आपने बताया कि यहां पर हमारा नॉर्मल कंडीशन फ्लो हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक तरह से काम करेगा, पर जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होगी उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी या हाई अमाउंट ऑफ करंट यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब हाई अमाउंट ऑफ करंट यहां फ्लो होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यहां पर आपका सीटी है करंट ट्रांसफार्मर उसकी जब प्राइमरी से करंट की वैल्यू ज्यादा पास होगी यहां पर तो इस ट्रांसफार्मर की इस सीटी की सेकेंडरी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उतना ही सेकेंडरी में यहां पर एनर्जाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा सेकेंडरी में उतना ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जो फ्लक्स है वो ज्यादा फ्लो बनना शुरू होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वहां पर बहुत ज्यादा यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मतलब इस वाली कॉइल की बात हो रही है फ्रेंड्स, जब यहां पर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो करंट यहां से पास करेगा इस कॉइल से, जब इस कॉइल से करंट पास करेगा तो यहां भी हाई अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब यहां हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो यहां पर ज्यादा आपका जो फ्लक्स है वो बनना शुरू हो जाएगा, जब ज्यादा फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा तो यहां पर ये वाली जो कॉइल है वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी तो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगी ये वाली कॉइल और इस प्लंजर को ये होल्ड कर लेगी नीचे की ओर, इसको खींचेगी फ्रेंड्स क्योंकि यहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लंजर जब नीचे की ओर ये कॉइल खींचेगी फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो NO है नॉर्मली ओपन जो थे वो नॉर्मली क्लोज हो जाना, मीन्स ये वाले जो स्विच है ये वाले जो एंड है फ्रेंड्स ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे और जब ये कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये वाला हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वाला सर्किट पूरा हो जाएगा। और जब ये सर्किट पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहां भी एक करंट सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। जब ये करंट सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी तो इस वाली कॉइल ये वाली जो कॉइल है वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी जैसे ये वाली एनर्जाइज हुई है, और जब ये एनर्जाइज होना शुरू होगी ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ज्यादा फ्लक्स बनेगा तो हाई मैग्नेटाइज हो गई है, और जितनी ज्यादा मैग्नेटाइज
कंडक्शन होगा उतना ज्यादा यहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगेगा। इसी क्वाइल को हम ट्रिप क्वाइल कहेंगे। और ये क्वाइल क्या करेगी, यहां पर जो हमारा ये कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये कनेक्टेड है फ्रेंड्स, यहां से सप्लाई चल रही है। अब जब ये मैग्नेटाइज होगी तो ये क्या करेगी, इस वाले स्विच को क्या करेगी, अपनी ओर होल्ड कर लेगी, खींच लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। जब ये अट्रैक्ट कर लेगी तो ये वाला जो स्विच है वो एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहां वाला ये जो परिपथ है ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है था जो फॉल्टी पार्ट है, मींस ये वाला हमारा फॉल्टी पार्ट हो गया, तो जो फॉल्टी पार्ट है वो हेल्थी पार्ट से अलग हो जाएगा, मींस ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाला सिस्टम हमारा सेफली बच जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की हमारा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। पहला बोलेंगे फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स। सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। तो फ्रेंड्स अगर बात करें शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई दो लाइन है, ये मान लीजिए आपकी दो लाइन चल रही है, ट्रांसमिशन लाइन को ले लीजिए। यहां पर हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है फ्रेंड्स, लाइन वन और लाइन टू, लाइन थ्री, L1, L2, L3, ये आपकी लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। अब हुआ क्या, अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन किसी भी कारण से क्या हो, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए। तो इस ऐसी सिचुएशन जहां भी क्रिएट होगी या फिर जहां भी वायर आपस में टच हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो उस प्रकार के फॉल्ट को या इस प्रकार से उत्पन्न फॉल्ट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और फ्रेंड्स ये बहुत डेंजरस फॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा जो यहां पर ब्लास्ट होता है या फिर सबसे ज्यादा यहां पर हीट जनरेट होती है, आग यहां पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होना शुरू हो जाता, तो ये बहुत डेंजरस फॉल्ट है। नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट अगर फॉल्ट की बात करेंगे तो ओपन सर्किट का मतलब ये है ट्रांसमिशन लाइन को, इसी को हम मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यही ट्रांसमिशन लाइन किसी भी कारण से क्या हो, बीच में से टूट जाए, यहां पर ये अगर टूट रही है, ये दोनों एंड टूट रहे हैं, मान लीजिए ये बीच में से ब्रेक हो गई, तो ये ब्रेक वाली कंडीशन हो रही है, यहां भी आपकी ब्रेक वाली कंडीशन बन रही है और यहां भी अगर ब्रेक वाली कंडीशन बन रही है, तो अगर ये टूट रहा है मतलब ब्रेक हो रहा है, तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। फ्रेंड्स एक चीज और सुन लीजिए, अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात करेंगे या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट में हमारी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है आपका ओपन सर्किट फॉल्ट में बात कर लें तो ओपन सर्किट फॉल्ट में आपकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट का मतलब है कोई दो या दो से ज्यादा जो भी आपके वायर हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाए या ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, तो इस प्रकार के फॉल्ट को या इस प्रकार से उत्पन्न फॉल्ट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगर वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। और दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, तो दोनों में ये डिफरेंशिएशन कि शॉर्ट सर्किट की बात करें तो यहां पर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर ओपन सर्किट की बात करें तो यहां पर हमारा वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फ्रेंड्स अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें फर्दर, हम उसको दो टाइप्स में अगेन फिर से हम उसको क्लासिफाई करेंगे, और पहला हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और सेकंड को हम बोलेंगे असिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अगर हम सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो सिमेट्रिकल का मतलब है कहीं सिमेट्री बनेगी। सिमेट्री का मतलब अगर तीन लाइन है तो तीनों में फॉल्ट आना चाहिए, मतलब तीनों इंटरकनेक्टेड हो जाए। जैसे यहां पर बात करें तो यहां वाला जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, या सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है लाइन टू लाइन टू लाइन, मतलब तीनों लाइन, अगर हमारा थ्री फेज लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है जैसे ये है, तो इस थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की अगर तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रही है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है उसको हम ट्रिपल एल फॉल्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये इससे कनेक्टेड हो गई और ये इससे कनेक्टेड हो गई, तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम बोलेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिमेट्री बन रहा है क्योंकि सिमेट्री का मतलब है तीनों जितने हैं आपकी जितनी सिमेट्री है, मींस थ्री फेज है, तो तीनों फेज में आपका फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार के फॉल्ट को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत पहला फॉल्ट है आपका ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल का मतलब है लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन का मतलब है L1, L2, L3, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसी का नेक्स्ट है आपका ट्रिपल LG फॉल्ट।
ट्रिपल एलजी फॉल्ट क्या है फ्रेंड्स? तो ट्रिपल एलजी फॉल्ट की बात करें तो ट्रिपल एलजी फॉल्ट वो फॉल्ट है जिसमें जो लाइन है वो तीनों तो उनका तीनों का तो इंटरकनेक्शन हो ही, मतलब वो तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो ही जाए, पर वो उनके साथ में वो ग्राउंड भी हो जाए। जैसे यहां पर एग्जांपल की बात कर लें या फिर एक डायग्राम बना लें फ्रेंड्स, तो ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन 3, 1, 2, 3। अगर यहां पर हम इस वाली सिचुएशन की बात कर लेते हैं, तीनों लाइन इंटरकनेक्टेड हुआ और इसके बाद ये ग्राउंड हो जाए, तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ट्रिपल एल जी फॉल्ट, जो कि हमारा सेकेंड वाला फॉल्ट है। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा असिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अगर असिमेट्रिकल फॉल्ट्स की बात करेंगे तो फर्दर हम इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। फिर से पहला पॉइंट है हमारा एल जी फॉल्ट। एल का मतलब है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब यह है फ्रेंड्स, कोई भी एक लाइन क्या हो, ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए। जैसे अगर मैं यहीं पर एग्जांपल बनाऊं फ्रेंड्स, तो हो सकता है मे बी इस तरह से हमारा फॉल्ट उत्पन्न हो जाए कि ये वाली जो हमारी लाइन है, पहली जो थर्ड वाली लाइन है, वो किसी कारणवश हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए। तो इस प्रकार का जो फॉल्ट उत्पन्न होने वाला है इसको हम कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सेकेंड की बात कर ले तो सेकेंड है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट। डबल एलजी फॉल्ट की बात करेंगे तो डबल एलजी का फॉल्ट का मतलब यह है, दो लाइनें तो आपस में इंटरकनेक्टेड हो ही, पर उसके साथ साथ ग्राउंड भी होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट या सेकंड या फिर इसको मान लीजिए कि टू और थ्री हमारे इंटरकनेक्टेड हो रहा है और इंटरकनेक्शन के बाद ये ग्राउंड हो रहा है, तो इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है फ्रेंड्स, इस प्रकार की उस स्थिति को हम कहेंगे डबल एलजी फॉल्ट। फ्रेंड्स ये वाले जो डायग्राम्स है इनको इनके बाजू में इनके साइड में बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपको आगे भी इससे हेल्प मिलेगी कि आपको पता तो रहेगा कि किस तरह से ये फॉल्ट बन रहा है। तो अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड का मतलब है डबल एल, मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारा डबल एल फॉल्ट। डबल एल का मतलब है लाइन टू लाइन फॉल्ट, मतलब दो लाइन कनेक्टेड हो जाए, इंटरकनेक्शन हो जाए दो लाइनों का। जैसे ये है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हो गई एक दूसरे से, यहां से ये शॉर्ट हो गई, तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट या डबल एल फॉल्ट। फ्रेंड्स अगर सबसे डेंजरस फॉल्ट की बात कर लें या जब सबसे खतरनाक फॉल्ट की बात कर लें तो ट्रिपल एल फॉल्ट जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक फॉल्ट है। और ये बात कर लें कि सबसे ज्यादा पावर सिस्टम में कौन सा फॉल्ट उत्पन्न होने वाला है, तो वो हमारा एलजी फॉल्ट है। लगभग अप्रोक्स 70% जो केसेस है वो हमारे एलजी फॉल्ट के ही आते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 70% ही, लगभग 70% तक ये अराइज होता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ओपन सर्किट फॉल्ट। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई आपकी जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, अगर वो ओपन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है किसी भी कारण से, वो हो सकता है मे बी फ्रेंड्स वेदर की कंडीशन हो, ठंड हो ज्यादा, जिस कारण वो सिकुड़ जाए और सिकुड़ने के कारण बहुत ज्यादा उन पर फोर्स लगना शुरू हो जाए, टेंशन लगना शुरू हो जाए, जिस कारण वो मेल्ट हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है ओवर करंट फ्लो होना उसमें शुरू हो जाए, जब ओवर करंट फ्लो होना वायर से शुरू हो जाएगा या ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर जो करंट है, जब ओवर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कारण वहां पर हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो मे बी हो सकता है फ्रेंड्स कि उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो और उससे ज्यादा वहां हीट जनरेट हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारा जो वायर है वो मेल्ट हो जाना है और मेल्ट होकर वो टूट जाएगा, तो इस कारण से भी यहां पर ओपन सर्किट की कंडीशन बन सकती है। और नेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जिसके कारण जो वायर है वो ही हमारा टूट जाए। और अदर फैक्टर भी यहां पर काम करने वाले हैं कि किसी थर्ड पॉइंट से भी हमारा जो वायर है वो टूट जाए, तो इस प्रकार के जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट की बात कर लें फ्रेंड्स कि इसको हमने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया, तो अगेन हमने इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारा वन कंडक्टर ओपन। तो वन कंडक्टर ओपन की बात कर लें तो यहां पर है हमारे तीन कंडक्टर फ्रेंड्स। कंडक्टर वन, ये है हमारा कंडक्टर वन, ये रहा कंडक्टर टू, ये है हमारा कंडक्टर थ्री। अगर कंडक्टर की बात कर लें फ्रेंड्स और हम इसके कैटेगराइजेशन की बात कर लें, तो अगर हम वन कंडक्टर शॉर्ट की बात कर लें, वन कंडक्टर शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां ओपन होगा, तो इसको करेक्ट करिएगा, ओपन सभी में ओपन होगा, यहां पर भी ओपन होगा फ्रेंड्स, तो यहां भी आप ओपन करेंगे और यहां भी आप ओपन करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम पहले वाली सिचुएशन की बात करेंगे कि वन कंडक्टर ओपन, तो एक कंडक्टर अगर ओपन होगा तो इस प्रकार का फॉल्ट कैसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार का फॉल्ट ऐसे उत्पन्न हो सकता है कि अगर थ्री फेज है, थ्री फेज में से कोई एक
फेज टूट जाए फ्रेंड्स, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो इस प्रकार का जो फॉल्ट है वो आपका पहली कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला है। सेकंड की बात कर लेंगे तो सेकंड का मतलब है टू कंडक्टर ओपन। अगर दो तार या दो वायर या दो ट्रांसमिशन लाइन टूट जा रही है और वो ब्रेक हो जा रही है, अलग हो जा रही है, तो इस प्रकार के जो फॉल्ट है उसको हम कहेंगे टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। अगर थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट की बात करेंगे तो तीनों कंडक्टर ब्रेक हो जाना है या टूट जाना है, तो इस प्रकार से जो आपका फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहेंगे थ्री कंडक्टर कॉमन। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आपका टॉपिक, तो कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये बताइएगा कि कैसा लगा, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए ये ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स कवर करा पाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करा पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।